तक रेट बढ़ने का सवाल है, उसका जो है यूपी पर कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तो ऐसे भी लागू होता है, एफआर भी नहीं। लगभग 450 रुपए के आसपास गन्ने का रेट हो तो कुछ हमें जो है लागत का मूल्य मिल पाएगा। ये तो चुनावी फंडा, अब से पहले नहीं किया इन्होंने, पिछले साल नहीं किया, उससे 2 साल पहले जो है जब बढ़ाए थे, कई साल ऐसे खींचे किसान के पैसे को जो है ऐसे जुटाया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए। ये तो हर साल जो रूटीन में आया हुआ है, रेट है। इस बार जो है नवंबर का भी फाइनल नहीं हुआ मोदी सुगर मिल का, जहाँ पे नल नहीं लड़ेगा वहाँ पे बीजेपी नुकसान उठाएगी। चौधरी साहब के साथ सभी थोड़ी न चले जाएंगे। किसान हताश है, गवर्नमेंट से उम्मीद कोई नहीं बची हुई है, तानाशाह सब गवर्नमेंट आ चुकी है। भारत एक्सप्रेस की टीम पश्चिमी यूपी के खंजरपुर गांव में पहुंची है और हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिरकार गांव खेत खलियान में काम करने वाले किसानों की स्थिति क्या है, किसान प्रदर्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं। राम राम जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनय कुमार। विनय जी, मुझे एक बात बताइए, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। सरकार ने इस बीच गन्ने का दाम भी बढ़ा दिया, 314 से 340 कर दिया, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी अधिकतर गन्ने की बेल्ट है और आप देखिए फसलें भी मेरे पीछे गन्ने की ही है। इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक रेट बढ़ने का सवाल है, उसका जो है यूपी पर कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तो ऐसे भी लागू होता है, एफआर भी नहीं। इसके लिए सिर्फ महाराष्ट्र में कुछ अंतर आ सकता है, बाकी ना हरियाणा में अंतर आएगा, ना पंजाब में आएगा, ना यूपी में आएगा। कोई फायदा नहीं हो रहा है एफआर भी बढ़ाने का हमें। यूपी में क्या रेट अभी आपको मिल रहा है? यूपी में 370 रुपए पर क्विंटल है इस वर्ष, उस हिसाब से तो 30 रुपए नुकसान है। हाँ जी, 30 नहीं बल्कि और ज्यादा है, लगभग 450 रुपए के आसपास गन्ने का रेट हो तो कुछ हमें जो है लागत का मूल्य मिल पाएगा जी। इतना कम से कम आप मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस तरीके की कीमतों में इजाफा करना कैसे देख रहे हैं? ये तो चुनावी फंडा, अब से पहले नहीं किया इन्होंने, पिछले साल नहीं किया, उससे 2 साल पहले जो है जब बढ़ाए थे, कई साल ऐसे खींचे किसान के पैसे को जो है ऐसे जुटाया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए। अक्सर ये देखा जाता है जो गन्ना किसान है उनकी मील मालिकों के साथ तनातनी रहती है, वजह क्या है? क्या समय पर भुगतान नहीं हो पाता या फिर पर्चियां नहीं मिल रही हैं, क्या है? मेन चीज तो समय से भुगतान की है जी। तो क्या आपको लग रहा है जो मौजूदा हुकूमत है, यूपी सरकार है, वो आपको सही से आपके गन्ने का भुगतान कर रही है? चीनी मिल सही से आपकी भुगतान कर पा रही है? सरकार सही से काम कर पा रही है? कर पा रही। ऐसा क्यों लग रहा है? जो हम महसूस कर रहे हैं, हमें जब पैसा नहीं मिलेगा, टाइम से फसल डाल दी, एक एक साल तक हमें जो है ऐसे ही हो जाए, डाले हुए उधार में गन्ना डाल दिया, पैसे का हमें ये पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कब हमें जरूरत है कब हमें पैसा मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही। कब से आपका पैसा अटका हुआ है? ये तो हर साल जो रूटीन में आया हुआ है, रेट है। इस बार जो है नवम्बर का भी फाइनल नहीं हुआ मोदी सुगर मिल का जी। तो क्या पर्चियां टाइम से मिलती हैं और कितनी पर्ची मिलती है किसान को? पर्ची तो बेसिक कोटे के हिसाब से उसी रेशियो से वो मिलती रहती है, चलता है। पर्चियां इतनी पर्याप्त होती हैं कि आपका पैसा सही से मिल जाए या आपका गन्ना जितना आप उगाते हैं उतना चला जाए? कितना गन्ना चला जाता है पर्ची के हिसाब से? जो है जो हमारा सट्टा है उस हिसाब से, हमारी पैदावार के हिसाब से लगभग पूरा गन्ना सप्लाई हो जाता है, चला जाता है। कुछ कोलू पे बेचना पड़ता है? बहुत बेचना पड़ता है, नुकसान होता है। हाँ, नुकसान होता है। कोलू के लोग कब रेट में लेते हैं? उनका कोई रेट नहीं होता, उनका तो जैसा मौसम देखा जैसा माहौल देखा वैसा रेट हो जाता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार कह रही है हमने कि यूरिया के रेटों में कमी की है, यूरिया के रेट नहीं बढ़ने दिए हैं, दूसरे देशों में हम कहें तो यूरिया बढ़ रही है, क्या आपको लगता है सरकार ने अभी तक जितने किसानों के लिए फैसले लिए हैं, कदम उठाए हैं, कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट है, कितने नंबर? तो संतुष्ट है ही नहीं, गन्ने वाले का पेमेंट नहीं और जो आलू की या सब्जी की खेती कर रहे हैं उनका कोई रेट नहीं जी। अच्छा, 10 नंबर की हम मार्किंग करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? किसान के पास तो एक भी नहीं है। ऐसा क्यों? ये मन की बात क्यों? मन की बात यू है, अब जो मांगे हैं वो ऐसी चीज पे तो है, जो हमारी सब्जी है, मान लो आलू उगा रहे हैं, फूल गोभी उगा रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, उसका एक लिमिट रेट तो होना चाहिए। नहीं, खंजरपुर के किसान क्या सोचते हैं? मैं यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, आप हैं खंजरपुर से, क्या सोचते हैं खंजरपुर के किसान? खंजरपुर का किसान तो त्रस्त है ही, पूरे एरिया का है, खंजरपुर का ही का है, पूरे पश्चिम यूपी का जो गन्ना किसान है पूरा परेशान है। अच्छा, इस बार वेस्टर्न यूपी में जाटलैंड में क्या होगा? देखो क्या होगा, भविष्य में है, लेकिन बीजेपी के तो खिलाफ है। लेकिन चौधरी साहब तो चले गए, अब बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं। तो चले गए, लेकिन चौधरी साहब के साथ में कोई हर कोई जो है हर कोई नहीं जा पाएगा। नहीं, पर दिल में तो नल है ना, नल पे हल निकलेगा। नल पे है, लेकिन जहाँ पे नल नहीं लड़ेगा वहाँ पे बीजेपी नुकसान उठाएगी। चौधरी साहब के साथ सभी थोड़ी न चले जाएंगे जी। तो मतलब अभी भी आप गठबंधन के साथ हैं? भाई टाइम बताएगा, कैंडिडेट के ऊपर है, लेकिन हम जो है इस तरह से बाउंड नहीं होंगे कि चौधरी साहब बीजेपी में गए तो सभी जो है उनके साथ में जाएंगे। लेकिन कुछ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चौधरी साहब वहाँ वहाँ हम, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं।
और मैं अगर छोटी सी एक टिप्पणी चाहूँ लास्ट कंक्लूड करते हुए कि आखिरकार किसानों के दिल में इस किसान प्रदर्शन को लेकर क्या है, ग्राउंड पर क्या सच्चाई है? किसान हताश है, गवर्नमेंट से उम्मीद कोई नहीं बची हुई है, तानाशाह गवर्नमेंट आ चुकी है, बस यहीं तक ही कहना चाहूंगा। कोशिश जारी है किसान की, मांग है, मांग रखेंगे, मनो या मत मनो। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप खंजरपुर से ये रिपोर्ट देख रहे हैं, किसानों से हमने बात की, किसान ये कह रहे हैं कि नाराजगी है, और नाराजगी भी इसलिए कि जो गन्ना किसान है उनका पेमेंट नहीं हो पाया है, पर्चियां समय से मिलती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उतनी खरीदारी नहीं हो पा रही है। किसान सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही है। अब सरकार ये कह रही है कि एक कदम आप चलिए, एक कदम हम चलें, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा जिससे कम से कम इस समस्या का हल निकले। खंजरपुर गांव से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।